गावों को गोसेखुर्द बांध में पुनर्वसित किया गया है और कई लोगों को लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। अधिकारी और कर्मचारियों की उदासीनता के कारण कई लोगों ने अब तक आत्महत्या कर ली है और तस्वीर स्पष्ट है कि प्रशासन एक निष्क्रिय स्थिति में है। यह स्पष्ट है कि प्रशासन मृत अवस्था में है। 2010 से परियोजना पीड़ितों को भूखंड आवंटित किए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक भूखंड धारकों को छोड़कर अवैध भूखंड आवंटित किए गए हैं। यह कुही तालुका के तहसीलदार के तहसील कार्यालय में हो रहा है। जिनके घर चला गया, खेती चली गई, वपला ने दूसरों के लिए बलिदान दिया, बड़े दिल वाली कृषि गोसेखुर्द बांध को दान कर दी, लेकिन सरकार और अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि वे इस बात पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार कैसे किया जा सकता है। परियोजना प्रभावित के उदाहरण के रूप में भगवान मारुति अधकरी चीज घाट, साथ ही परियोजना प्रभावित दुर्वेधन इस्तारी खंगार नवेगांव घर गोसेखुर्द में उनकी पूरी जमीन संपादित किया गया है और आज उन्हें भूख की प्राप्ति से वंचित होना पड़ रहा है। नागपुर अनुमंडल अधिकारी उमरेड तहसीलदार कोही और जादव महोदया, उनके जीवन को समाप्त करने का समय आ गया है। वह बाद में भी भूखंड नहीं दे रहे हैं, बार बार आवेदन जमा करना और वास्तविक परियोजना पीड़ित नहीं है, खेत पुनर्वास में नहीं गया है, खेत घर नहीं गया है, उन्हें चिरमिरी द्वारा भूखंड आवंटित किए गए हैं। और यदि हम भूखंडों की मांग के लिए जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि आपके पास क्यों आज तक प्लॉट नहीं मिले। उलट जवाब करते हैं, आज तक प्लॉट क्यों नहीं दिया गया, इसकी जांच का जिम्मा किसका है, आपका या हमारा। आप जनता के सेवक है, जनता मालिक है, हमारे पैसों से आपका परिवार चलता है, उल्टा आप हमसे पूछ रहे हैं कि हमें आज तक प्लॉट क्यों नहीं मिला। भूखंड आवंटित किए जाते हैं, फिर एक व्यक्ति को 4 से 5 भूखंड कैसे आवंटित किए गए और कैसे और किस मानदंड के अनुसार 4-4, 5-5 भूखंड एक परिवार के सदस्य को आवंटित किए गए। अर्थात यदि वे चिरमिरी प्रारूप में काम करते हैं तो वे किसी भी प्रकार को देखे बिना भूखंड आवंटित करते हैं। दस्तावेजों की ओर जो उनके लिए अपने जीवन की यातनाओं को झेलने के लिए क्या हमारी खेती पुनर्वसन ली की है, तो एक को माँ जैसा व्यवहार और एक को मौसी जैसा काम कुही तहसीलदार कार्यालय में चल रहा है जैसा, और एक चाची होने का न्याय क्या है। मुझे उनकी पूरी जांच करके और आवंटन में भ्रष्टाचार का खुलासा करके न्याय दिया जाना चाहिए। भूखंड अन्यथा हमारा प्रशासन और इस गोसेखुर्द पुनर्वास से संबंधित सभी अधिकारी और कर्मचारी एक परियोजना के शिकार बने रहेंगे। संजीव भगवान अधकरी ने प्रेस एसोसिएशन को एक बयान देकर अपनी शिकायत व्यक्त की है, लेकिन प्रशासन ने इस पर ध्यान आकर्षित किया है और प्रतिबद्ध है आत्महत्या। इसमें शामिल अधिकारियों की गहन जांच होनी चाहिए और इस परियोजना के पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए।